जी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जीमेल पे आपका अकाउंट बना होना चाहिए। मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि वो एक ही अकाउंट था जो फेसबुक में यूज किया हुआ @gmail.com है और वही यहाँ यूज करना है। आपको पता है यूजर में डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो मैं काम करता हूँ, पहले वो डिलीट कर देता हूँ। कौन सा? फेसबुक, क्योंकि मेरे पास जीमेल में वही ईमेल एड्रेस है जो मेरा फेस। आप अल्लाह रख लेना तो फिर आपके वो हो जाएंगे। टेबल सबसे पहले देखो एएसपी नेट यूजर लॉगिन, आपने नहीं करना भी। और ये देखो आ रहा ना फेसबुक लिखा हुआ, ये यूजर आईडी आ रहा है, तो इसको मैं वैसे ही डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सेम यूजर जो है जीमेल में, तो इसलिए मैंने इसी को यूज करना है। एक ये एक होगा एएसपी नेट यूजर ग्रो, क्या नेम है पता कुछ? एएसपी नेट यूजर में पहले चेक कर, ये पहले वाला है ना, तो लास्ट में क्या B56, तो यूजर रोल्स। तो टेबल पे गया यही है ना, तो ये यूजर आपने यहां से तीसरा ASP.NET यूजर, कभी भी सीधा ASP.NET यूजर ना करना भी, पहले चाइल्ड टेबल से फिर मैंने ये, वैसे आपको ये जरूरत नहीं। ले रहे जी ये सारा क्लोज किया। ये अब हम जीमेल से सारा कुछ है, अकाउंट भी बता दिया था और पहली बार वही पेज एक्सटर्नल लॉगिन, जो चीजें वहां सेट की वो सबकी कॉमन है, यानी अब आपका और टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब आपका प्रोडक्ट मॉड्यूल तैयार है और इधर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, ठीक। अब आपने इनको कनेक्ट करना आपस में, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा यूजर, ठीक। उसके लिए हम फिर शॉपिंग कार्ट का कुछ कहानी बनाएंगे। गूगल का देख लिया, चल गया था ना आप लोगों का? यस सर। चेंज ही तो नहीं करने पड़े थे, वो गूगल आईफोन साइन ही नहीं चला था, गूगल आई पर साइन इन लिखा हुआ था ना, उसी का डाउट था। क्या करोगे? रजिस्टर और ये गूगल, एक क्लिक किया तो यहां पे ये जीमेल अकाउंट है, ठीक। और उसका पासवर्ड, अब देखो लॉगिन नहीं है तो पूछा उसने, जो भी आपका होगा डाटा बेस
एपीआई के ऑथेंटिकेट हो गया, और ये देखो नेम आ गया कहां से, गूगल के डेटाबेस से, और ये ईमेल जो यूजर नेम वो आ गया, बाकी डिटेल हमें अपनी डालनी पड़ेगी। ठीक, तो यहां पे नेम, ईमेल और यहां पे एड्रेस, तो कुछ भी ऐसे लिख दिया, रजिस्टर पे क्लिक किया, हेलो आ गया, ये देखो, और बाकी तो आगे काम कर रहे हैं। अब डाटाबेस में जाके चेक कर लो, मेन बात तो वही है, एएसपी नेट यूजर, यहां से डिलीट कर दिया था, ये देखो फिर ऐड हो गया, और इसका जो यूजर आईडी है 910 है लास्ट, और ये देखो एएसपी नेट यूजर लॉगिन, यहां भी एक रिकॉर्ड एंटर हुआ, देख लो बस लॉगिन प्रोवाइडर चेंज हो गया, फेसबुक की जगह गूगल, याद रखना यहां फेसबुक भी आएगा गूगल, मैंने तो इसलिए डिलीट किया कि मेरे पास एक ही ईमेल था जो दोनों जगह था, नहीं तो आपका ऐसे फेसबुक भी आएगा गूगल जितने भी होंगे यहां पे, और उसके बाद इसको एक रोल असाइन हो गया है इंडिविजुअल, तो यहां पे एएसपी नेट यूजर रोल जिसमें 910 लिखा हुआ लास्ट में, ये वाला, तो इस तरह से ये आपका कोड हो गया। तो अब कोई पूछे कि प्रोजेक्ट में ओपन ऑथेंटिकेशन आती है कि नहीं, ओ आती है कि नहीं, ये गूगल और फेसबुक जो था ये किसका पार्ट था, ओपन ऑथेंटिकेशन। कोई बोले कि डाटाबेस के साथ आती है, ये डाटाबेस के साथ ही, जो हमने सिंपल जो करते थे रजिस्टर वो डाटाबेस की थी, और लॉगिन किसके साथ आ गए, लॉगिन थी फेसबुक और लॉगिन भी, और फायदा सब पता ही है कि पर्सन को मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अगर एक फेसबुक का है उसी से 15 साइट्स पे लॉगिन कर रहा है, तो उसे सिर्फ एक यूजर पासवर्ड रखना पड़ेगा, इसलिए हम उनको यूज करते हैं। चलो अब आपका नेक्स्ट में क्या आएगा, अब आगे का पहले फ्लो सोच लेते हैं फिर आगे करते हैं। अब यहां पे ठीक है, लॉगिन करोगे एडमिन रोल से, क्या करेगा सारा पता है। अब हमारा क्या होगा, डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट खरीदना है उसकी डिटेल आएगी, इसके जो प्रोडक्ट खरीदना उसकी डिटेल आनी चाहिए, तो इसके लिए फॉर्म के अंदर डिटेल नाम से क्या बनाना है, एक्शन कहां पे, फॉर्म क्या करोगे, यहां पे मेन प्रोजेक्ट पे गए, एरिया कस्टमर कंट्रोलर होम, और होम के अंदर कौन सा है, बोलो, यहां पे डिटेल नाम से एक्शन अभी हमने बनाना है। ठीक, यहां पे तो आपने वो भी देखा कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पे कितने पेज यूज हो गए, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक, एक लॉगआउट भी हो गया था, एक्सटर्नल लॉगिन हो गया, ठीक, ऐसे लॉगिन और भी पेज आगे आगे यूज होंगे। आप हमने डिटेल देखनी है तो नॉर्मल ये फाइन का कोड है, ठीक, बट इससे पहले आपको क्या करना है, एक नया मॉडल बनाना है। ठीक, यहां पे हम लिख जरूर लेते हैं पब्लिक, क्या लिखोगे, हाई एक्शन रिजल्ट, क्या नेम है, डिटेल्स,
और एक पैरामीटर है आई डी, एक पैरामीटर है आई डी और यहां पे हम लोग वोट लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे ये देखो ये नाम क्या है, आप इसके इंडेक्स में जाके चेक कर लो फोटो व्यू, और ये देखो लास्ट में एक्शन का नाम क्या रखना है, डिटेल्स और आईडी इसमें एक पैरामीटर। ठीक, तो यहां पे मैंने क्या नाम रखा, डिटेल्स और आईडी पैरामीटर। फिर हम डिटेल नाम का क्या बना लेंगे, व्यू। ठीक, रेजर व्यू ऐड कर लिया, और ये है। एक ये डिटेल नाम से व्यू रन करो। अब यहां पे मैं आपको एक एचटीएमएल दूंगा जैसे हमने पहले की, और यहां पे वो एचटीएमएल डिजाइन है, कुछ नहीं है। और वो डिजाइन कहां से बनते हैं आपको मैं आगे पूछ में जब सिखाएंगे तो बताएंगे। ठीक, अभी हम सिर्फ एक ही फोकस रख रहे हैं डेवलपमेंट। ठीक, जब ये डिजाइन होंगे बता देंगे कार यूज होता है, बेसिकली देखा ही होगा आपने ज्यादातर। डिटेल पे क्लिक किया आगे, अब यहां पे हमने वो डिटेल डिस्प्ले कर। ठीक है जी, तो इसके लिए एक डिजाइन आपको प्रोटेक्ट डिटेल और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में ही रख लोगे। मेन प्रोजेक्ट में ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ये आपका डेस्कटॉप पे भी है, फिर क्लास के बाद आप लोग ले लोगे। बताइए क्या बोलना मैंने, प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये कुछ नहीं टेक डिजाइन है, वैसे ये डिजाइन हम भी बना सकते हैं। ठीक, वो मैं आपको जब बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड पे काम करेंगे तब आपको बताएंगे, इसलिए अभी आप इस पे कंफ्यूज नहीं। कहां से उठाए होते हैं, बूटस्ट्रैप से हम अपना कोड अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपका ये, आप इस पूरे को कॉपी कर लो और डिटेल वाले पेज पे क्या कर दो, पेज। लो जी, डिटेल पे गए और यहां पे पेज क्या कर दिया, पेज। ये देखो यहां क्या बना हो, कार्ड ये बना हो, तीन पार्ट होते हैं, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर होगा, बस तीन चीजें होती है, हेडर फुटर और बॉडी। बॉडी में डाटा आएगा, हेडर में वो हेडिंग, फुटर में बटन बटन आते हैं और क्या। अब आप इसको देखो इसका डिजाइन कैसा है, रिफ्रेश किया ऐसे आ, ये देखो डिजाइन है, यहां टाइटल आएगा, यहां ऑथर आएगा, यहां पे कवर टाइप आएगा, यहां कैटेगरी आएगा, यहां पे उस प्रोडक्ट की फोटो आएगी, इमेज, यहां आईएसबीएन नंबर, यहां प्राइस, और यहां पे ये सारे प्राइस आएंगे। क्या आएंगे, सारे प्राइस, और यहां पे क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है ये डिस्क्रिप्शन आएगा,
कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ये हम कम ज्यादा हैं कर सकते। ये होता ना यहाँ पे डिटेल देख ली। अब ये बुक मैंने एक नहीं चार खरीदनी है, दो खरीदनी है, तो हम यहाँ क्वांटिटी कम ज्यादा हैं कर सकते हैं। उसके बाद ये एड टू कार्ट, ये बैक टू लिस्ट नहीं चल रहा है, इसको देखो क्या है, कहाँ है, यही है ना ऊपर वाला क्लास के स्पेलिंग का। बैक टू लिस्ट ठीक, और एड टू काम, एक एड टू कार्ट और बैक टू लिस्ट हो गया ये। तो ये अब हम लोग ये सारा, तो यहां फिर आउटपुट दिखाऊंगा, डिजाइन सम तो आ गया होगा, ठीक करेंगे तो देखेंगे ठीक। तो पहली बार क्लास के बाद ये डिजाइन आपने ले, एक प्रोडक्ट डिटेल पेज है, इसकी डेस्कटॉप पे फाइल होगी, प्रोडक्ट डिटेल पे होगी। एक क्लास के बाद आप लोग लेके आपने अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं कोड तो कुछ नहीं लिखते ठीक। अब उसके बाद अब आगे आओगे, एक नया मॉडल बनना है जी, शॉपिंग कार्ट टेबल। क्यों बनना है? जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, एड टू कार्ट, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, एड टू कार्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, कार्ट में एड करता रहता आइटम, खरीदनी है नहीं खरीदनी वो बात की बात। ऐसे करते हैं जैसे अमेज़न पे जाओ ना, आप अपना लॉगिन करो, एड टू कार्ट करके 10 आइटम एड कर, दूसरे दिन लॉगिन करते हैं तो वो कार्ट में नजर आती है, कितने आइटम पड़ी है, 10 तो पांच जितनी भी होंगी, तो कहां से आती है, एक टेबल। तो इसलिए हम वो टेबल बनाने जा रहे और उसका नाम रखेंगे शॉपिंग कार्ट। होता है ना एड टू कार्ट करते रहे, कार्ट में स्टोर हो गया, फिर यहां ऊपर एक बास्केट सी बनी हो, आइकन सा बना हो, उसमें कार्ट कितनी आइटम है कार्ट के अंदर होती है ना, 4-3 वो आपका एक, तो कहने का मतलब वो आएगा कहां से, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट में क्या होगा, जैसे कोई ऐड टू कार्ट करेगा तो डिटेल कहां स्टोर करेगा, शॉपिंग कार्ट। अब सोचो शॉपिंग कार्ट में क्या होगा, किसका कार्ट है, दैट इज यूजर आईडी। मैं लॉगिन करूं तो मेरा कार्ट होगा, यूजर आईडी होगा, कौन से प्रोडक्ट की कार्ट में ऐड कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी होगा, होगा नहीं होगा, ठीक, मैं यूजर हूं तो मेरा यूजर आईडी होगा, प्रोडक्ट आईडी, चार प्रोडक्ट ऐड किए तो चार प्रोडक्ट आईडी होगी, और उसके बाद कितनी क्वांटिटी, क्या होगी क्वांटिटी, ठीक, ऐसे इतने कॉलम होंगे, ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो अब हम लोग ये मॉडल आपका बनाएंगे कि जब भी कोई ऐड टू कार्ट करेगा उसमें स्टोर हो जाएगा, खरीदेगा तो बात की बात है ठीक। तो अब आप मॉडल में जाओ और एक नया मॉडल बनाएंगे, कहानी पुरानी बट यूज करने का तरीका थोड़ा सा, क्लास मॉडल पे जाके क्लास शॉपिंग एक शॉपिंग कार्ट एक। अब इसमें क्या क्या चीजें लेंगे, तो आइडिया वही है,
एक इसकी अपनी प्राइमरी की होगी, एक यूजर आईडी होगा, प्रोडक्ट आईडी होगा, काउंट होगा, ये शॉपिंग कार्ड। एक काउंट प्रॉपर्टी बनाई, उसको मैंने बाय फॉर सेट कर दिया वन, क्योंकि किसी का भी काउंट वन से कम थोड़ी होगा, जीरो थोड़ी होगा कभी भी। इसे डिफॉल्ट काउंट क्या सेट कर दिया, वन। अगर मैं डिफॉल्ट वन नहीं सेट करता तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती। क्या होती है? जीरो। और ये आ गया शॉपिंग कार्ट आईडी प्राइमरी, और ये आ गया एप्लीकेशन यूजर आईडी। कौन सा यूजर है यहां? वो यूजर आएगा जिसने लॉगिन किया होगा, और ये उसकी फॉर्म की बन गई। क्या बन गई? ये फॉर्म की। और ये कौन से प्रोडक्ट की शॉपिंग करेगा? प्रोडक्ट आईडी, और इसकी फॉर्म की बन गई प्रोडक्ट टेबल से, यही बोला मैंने। और ये काउंट, कितना काउंट है इस प्रोडक्ट, प्राइस ले लिया बट बाय फॉर इसको क्या रखा? नॉन मैन, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट मॉडल में है ना, वहीं से आएगा प्राइस, तो दो जगह थोड़ी स्टोर करूंगा। तो ये बात में पता चलेगा मैंने नोट मैप करके क्यों लिखा। मजा नहीं आया सुनने वाले को, मजा आया। अब नेक्स्ट स्टेप्स तो आपको पता ही है सारे, क्या करना है बोलो। एक, आप डेटा एक्सेस में जाओ, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे ये ऐड कर दो। पता क्या होना चाहिए आपको? यहां पे नेम दे दिया क्या था? शॉपिंग कार्ड, और यहां पे शॉपिंग कार्ड। अब आप इसकी माइग्रेशन, मेन मकसद यह है कि टेबल क्यों बनाया, तो आप बोलोगे ऐड टू कार्ड करके जो कार्ड में ऐड करनी है ये उसके लिए। अब इसमें क्या है, कौन पर्सन ऐड कर रहा है, दैट इज यूजर आईडी, एप्लीकेशन यूजर आईडी, कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी, कितना काउंट है, दैट इज वन। तो यहां पे फॉर्म की दो हुई, एक यूजर आईडी जो यूजर के साथ होगी, और एक प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट। अब उसके बाद वही माइग्रेशन, पैकेज मैनेजर कंसोल, एक और यहां पे डेटा एक्सेस। क्या लिखोगे? एड हाइफन माइग्रेशन एड शॉपिंग कार्ड मॉडल, कुछ भी ऐसे नेम दे। और उसके बाद अपडेट डेटाबेस, और उसके बाद रिपोजिटरी बनाओगे और आई यूनिट वर्क में ऐड करोगे। बस कहानी पता होनी चाहिए कि ये जो आपका शॉपिंग कार्ट मॉडल, ये तो अब ये देख लो, एक बार नजर मार लो कौन कौन से टेबल में, देख लो ऑल्टर कॉलम। अब ये एसपी नेट यूजर टोकन, ये देखो इनमें क्यों हुआ, क्योंकि यहां फॉर्म की क्या है, एप्लीकेशन यूजर के साथ है और उसमें इनहेरिट हुआ हुआ आइडेंटिटी यूजर, तो उस हिसाब से जहां जहां उसके रिलेशन होंगे वहां वहां चेंज होगा। ये देखो ऑल्टर हो गए कॉलम, ऑल्टर लॉगिन में सभी जगह ना इसका, जो जैसे डेटाबेस होगा। हमारा तो सिर्फ ये है क्रिएट टेबल आईडी, एप्लीकेशन यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस तो नॉट मैप था। और ये देखो ये प्राइमरी की और दो क्या बन गई इसमें, और ठीक। तो अब उसके बाद क्या करना आपने, ठीक पता ही है
अपडेट आई फॉर डेटा बेस, और ये अपडेट एक अपडेट आई फॉर डेटा बेस, तो इस तरह से एक नया टेबल आपका बन गया। अब क्या करो, रिपोजिटरी आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया क्लास, और यहां पे इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या होगा, आई आई शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी, आई शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी एड कर, पब्लिक, और यहां पे आई रिपोजिटरी क्या पास करोगे, शॉपिंग कार्ट। ये आप बनाएंगे हम लोग शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी, ये इंटरफेस बना लिया, तो ये पता है। अब आप आ जाओ मेन रिपोजिटरी पे, राइट क्लिक किया ऐड क्लास, और इसका नेम क्या रखोगे, शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी, और वही से पब्लिक इनहेरिट कर लो किसको, रिपोजिटरी, किसके लिए है ये, शॉपिंग कार्ड, और फॉर्मा देखे आई शॉपिंग कार्ड रिपोजिटरी, और यहां पे कंस्ट्रक्टर, और यहां क्या पास करोगे, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस टेक कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, और ये आपकी। अब उसके बाद आई यूनिट वर्क, ये सारा टीआई का कंसेप्ट है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसमें हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली बनाता, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करता है, ये इंटरफेस तब बनाते हैं, ये क्लास इसलिए बनानी जरूरी है। अब क्या करना बोलो, ये लिखा हुआ तो कई बार हम लोग ये बोर्ड लिख चुके हैं, इस पे ज्यादा टाइम बनता नहीं। अब आ जाओ आप लोग आई रिपोजिटरी में, आई यूनिट ऑफ वर्क क्या लिखोगे, आई शॉपिंग कार्ट रिपोजिटरी ऐड कर दी, और उसके बाद कहां जाओगे, यूनिट ऑफ वर्क आगे यहां पे, और यहां पे एक थ्योरम, यहां क्या आएगा, आई शॉपिंग कार्ड और शॉपिंग कार्ड, और यही आप ऊपर ऐड कर दो, शॉपिंग कार्ड और शॉपिंग कार्ड रिकॉर्ड, हो गई प्रोसेस पूरी। अब हम वापस डिटेल वाला पेज बनाना शुरू करें, एक कौन सा पेज, डिटेल, ये फायदा होता है, स्ट्रक्चर है, पहली बार मुश्किल लगा था, अब तो इजी लग रहा होगा, हमें अभी बोले 50 मॉडल बनाने हैं, अब 15 मिनट में बना देंगे, कुछ ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं होगा ना, वो इसमें किंतु परंतु वही फोर सारा बिल्कुल, और ये टेस्टी है, इसे कहते हैं रिपोजिटरी पैटर्न। ठीक,
कौन सा प्रोडक्ट आज मैं ऐड कर रहा है, यही तो दो मेन चीजें थी। ठीक, तो अब आप ये सारा क्लोज करो, रिपोजिटरी तैयार। अब आप आ जाओ मेन प्रोजेक्ट पे, एरिया। अब हम कस्टमर में काम कर रहे हैं, कस्टमर के अंदर होम कंट्रोलर, होम के अंदर हम बना रहे हैं डिटेल। ठीक, अब यहां पे आपने क्या लिखना है? ठीक, वहां तो वैसे लिख के हमने टेस्ट किया था, तो अब यहां सिंपल फाइंड का कोड लिखेंगे। कौन सा कोड लिखेंगे? फाइंड का। अब अच्छा, ये कोड ना धीरे धीरे और भी चेंज हो गए, करने को तो आज कर लू, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं पता है। अभी सिंपल हमें पता है कौन सा कोड लिखना है, फाइंड का। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर प्रोडक्ट इन डीबी, अगर हम बोले जितना हमें पता, वेयर प्रोडक्ट इन डीबी अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट क्या लिखेंगे? गेट या गेट ऑल? गेट। और क्या पास करेंगे? बोलो आईडी। आईडी नहीं, गैप में तो आईडी होगा, मैंने फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं बनाया हो। हमें यहां पे मल्टीपल टेबल की कहानी भी है ना, है कि नहीं? वो भी लिखना, इंक्लूड प्रॉपर्टीज, क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो मेरा मतलब कहने का, यहां पे प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी का नेम भी चाहिए, देखा नहीं आपने? अगर वहां पे कैटेगरी का नेम चाहिए और कवर टाइप का नेम भी मेरे को चाहिए, कैटेगरी का भी और कवर टाइप का भी। तो इसलिए यहां पे बी डॉट आई डी इक्वल टू जो आई डी हम ऊपर से पास करेंगे और इंक्लूड प्रॉपर्टीज क्या लिख दिया, कैटेगरी कॉमा कवर टाइप। याद है जेनरिक रिपोजिटरी बनाई थी, ये लो, ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, अब आप ये लिख सकते। एक कैट में तो आईडी है सिर्फ, लेकिन वो सिंगल टेबल पे है, इसके अंदर इंक्लूड लिखा हुआ, दो टेबल है, चार है, छह जितने मर्जी। एक प्रोडक्ट इन डीबी देन रिटर्न नॉट फाउंड, अगर है देन प्रोडक्ट इन डीबी। पर फाइंड का कोड यहां बाद में कोड है, वो बाद में देखेंगे जैसे दूर। तो अभी तो सिंपल यही पता है कि व्यू डिटेल पे क्लिक करें तो जो आईडी पास करें हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, पर वहां मुझे कैटेगरी का नेम भी चाहिए था, कवर टाइप का नेम, इसलिए मैंने यहां यूज किया फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये वही है जो हमने बनाया हुआ है, देखो राइट क्लिक किया, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, और ये देखो ये नहीं लिखा हुआ इंक्लूड प्रॉपर्टी, और ये फिल्टर हमने कंडीशन बता। तो इस तरह से ये आपका बन। अब हम क्या करेंगे, अब इसके व्यू पे काम करेंगे, कौन कौन सी चीज कहां से आएगी। ठीक, इसमें आप एक ये भी बना ही देते हैं, हम शॉपिंग कार्ट में सीधा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वहां प्रोडक्ट आईडी होगा, ये चाहिए होगा, शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। लो, इससे पहले यहां पे बाद में शॉपिंग कार्ट भी तो चाहिए हमें, शॉपिंग कार्ट ये वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू न्यू, क्या लिखोगे, न्यू शॉपिंग कार्ड जैसे लेते हैं, और यहां पे ये वेरिएबल लिया हो ना प्रोडक्ट, यहां पे आप पास कर दो जो प्रोडक्ट ऊपर फाइंड करके आए, और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, और यहां पे
productteamgg.id या ऊपर वाला आई डी भी पास कर सकते हो एक ही बार .id। और इसका फायदा ये, अब मैं सीधा यहाँ शॉपिंग बार की पास कर। देखो हमें तो प्रोडक्ट चाहिए था दिया, एक तो मैंने इस प्रोडक्ट में डाल दिया, अभी नहीं बनाया मॉडल, ये देखो F12 अभी तो बनाया, देखो इसमें ये ना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आईडी डाल दिया इसमें, और इसमें हमने पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डाल, ये हमने यहां पे काम कर, क्योंकि आगे तो शॉपिंग कार्ड ही यूज करना ना, इसलिए मैंने पहले ही शॉपिंग कार्ड के अंदर ही वो प्रोडक्ट डाल दिया और प्रोडक्ट आई। अब इसके व्यू में जाके ये वाला शॉपिंग कार्ड यूज करना है, क्योंकि व्यू को तो ये पास हो, अब यहां पे कहां जाना आपने, डिटेल के व्यू पे, और वहां पे हम लोग इसको एक्सेस, आप लोग ये लॉजी गो टू व्यू, ये तो लिख चुके हैं ऊपर सबसे, ये तो नीचे पेस्ट कर दिया होगा, मॉडल क्या लिखोगे, प्रोजेक्ट डॉट मॉडल डॉट क्या आएगा, शॉपिंग का, इसको हम रन कर लेते हैं साथ साथ, तभी हमें आउटपुट नजर आएगी, एचटीएमएल में चेंज है, साथ साथ हम लोग यहां पे आ, ठीक है जी, अब ये चीजें चेंज होगी, तो अब आप इसे मिनिमाइज कर दो, सबसे पहले टाइटल, यही है टाइटल, कहां से आएगा, एट द रेट मॉडल, मॉडल में क्या है, शॉपिंग कार्ड, उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, टाइटल, तो ये टाइटल आपका आ जाएगा, और ये देखो रिफ्रेश करो, ये टाइटल चेंज हो गया ना, वैल्यू, ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट, इसी के नीचे आएगा बाय ऑथर, तो इसकी जगह क्या लिखना, एट द रेट मॉडल, मॉडल में क्या है, शॉपिंग कार्ड, और उसके अंदर है प्रोडक्ट, और यहां क्या चाहिए, उसका ऑथर, अब वैल्यू जगह बनी हुई है, आपने सिर्फ वैल्यू क्या करनी है, देखो रिप्लेस, ये देखो आ गया बाय, अब यहां पे कवर टाइप, अगर इंक्लूड नहीं लिखता तो कवर टाइप का नाम कैसे आता, अब ये देखो यहां पे जगह बनी है, देखो कवर टाइप कैसे एक्सेस करोगे, यहां पे क्या लिखोगे, एट द रेट मॉडल डॉट शॉपिंग, सॉरी मॉडल डॉट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर है क्या, कवर टाइप, क्या है, कवर टाइप, और उसका क्या चाहिए, नेम, तो ये क्या देगा, कवर टाइप नेम, अब ये देखो रिफ्रेश आ गया, सॉफ्ट कवर लिखा, ऐसे ही आगे आएगा कैटेगरी का नेम, एट द रेट मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट नेम, सॉफ्ट कवर, आइए क्लियर है,
ISBN, यहां पे ISBN, यहां पे लिस्ट प्राइस। देखो जगह बनी हुई है, कुछ नहीं करना। तो यहां पे ये एट द रेट मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट ISBN, हे और ISBN के आगे ये है लिस्ट प्राइस। क्या लिखोगे? एट द रेट मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट लिस्ट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक। और यहां पे देखो ये रहा ISBN और लेस प्राइस, ठीक। तो यहां पे ये टू स्ट्रिंग हम लोग वो भी दे सकते हैं क्या? डेसिमल के बाद दो जीरो आ गई ताकि एक जैसा दिखे। के बाद ये आप देख लो टू स्ट्रिंग में हमने क्या दे दिया इसका फॉर्म। इमेज है कि पता नहीं कहां देनी, देखते हैं उसकी जगह। एक सिंपल डिस्प्ले कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एक ये देख लो जगह बनी है, आपको डिजाइन ले लोगे प्रोजेक्ट। और यहां पे ये देखो ये दो आगे ये इमेज दिखा देते हैं पहले, ठीक। तो कहां होगा इमेज देखना पड़ो पूरा नीचे IMG ये ना टेप इमेज। क्या लिखना है यहां पे? बोलो एट द रेट मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज यू आर। एट द रेट मॉडल में क्या है? शॉपिंग कार्ड। और ये रिफ्रेश करके देखो ये जैसे होम पे गए जिस पे क्लिक करोगे उसी की डिटेल आए। अब हमने ये दिखाने हैं प्राइस, ये तो हेडिंग है, नीचे प्राइस आएंगे ठीक। लिख लिया जी, इमेज बस। अब यहां प्राइस तो ये देखो ये ऊपर हेडिंग है और ये नीचे जो है ये जहां जहां ये है, तो यहां क्या आएगा? प्राइस। कैसे? मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस फॉर्मेट करना है तो टू स्ट्रिंग करके लगा दो। यहां क्या आएगा? मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50। यहां क्या आएगा? मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 100। और यहां पे रिफ्रेश ये आ गया। देखो 100 से ज्यादा खरीदेगा तो ये प्राइस लगना है,
50 से इतना तो ये लगेगा और इतना भी देंगे तो ये। अब यहां आएगी डिस्क्रिप्शन, क्या आएगी डिस्क्रिप्शन, याद रखना ये डिजाइन को रेडीमेड नहीं है, गूगल से उठाए हैं, ये खुद ही बनाए हैं, वे कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा, नहीं तो हम डिजाइन में 7-8 दिन और लगा दें, जब उसकी बारी फ्रंट एंड तो पढ़ना ही, हमने रियल में काम करेंगे तो वहां मैं आपको अपने आप ही बताऊंगा कहां पे होते हैं और कैसे बनाते हैं, एक बनाना बता दूंगा फिर तो आपको सारी पता चल, इसलिए आप इससे कंफ्यूज ना होगी, हमें नहीं पता। ये डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, @model.product.description आ गया जी, और ये रिफ्रेश। अब ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही इसमें HTML के टैग आ गए, पी लिखा रहा ना पैराग्राफ, बोल्ड करेंगे वो, क्योंकि वहां हमने टेक्स्ट एरिया लगाया था, याद करो, पर देखने में थोड़ी अच्छा लगता है। क्या करोगे यहां पे, कैसे हटाएंगे, एक काम करो @HTML.raw, हमें क्या चाहिए, रॉ डेटा चाहिए, @HTML.raw और ये लो ऐसे, इससे क्या होगा वो रॉ डेटा दिखाएगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखाएगा। एक अब आपका काउंट वन आएगा बाय डिफॉल्ट, तो जो काउंट प्रॉपर्टी है वो उसके यही बना हुआ है, देखो काउंट लिखा हुआ ना, ये उसके नीचे क्या लगा हुआ टेक्स्ट बॉक्स, तो आपने क्या लिखना ASP:4 और यहां क्या आएगा काउंट, क्या आएगा काउंट, काउंट कहां से मिलेगा जल्दी बोलो, model.shopping का काउंट, यहां पे ना प्रोडक्ट डॉट लिखना, क्योंकि मॉडल क्या है शॉपिंग कार्ट, और शॉपिंग कार्ट के अंदर है मॉडल, वही होगा जो ऊपर ऐड हुआ, ऊपर ऐड हुआ तो उसका नाम क्या है शॉपिंग कार्ट, काउंट उसमें प्रोडक्ट में काउंट नहीं है, अब तो समझ आ गया होगा शॉपिंग कार्ट मैंने क्यों लिया। एक और ये काउंट क्या करेगा बाय डिफॉल्ट वन दिखाएगा, ये देख ये भी हट गया और ये वन, एक उसके बाद बैक टू लिस्ट वाला बटन चला, उसमें तो कहां जाना है इंडेक्स, कहां जाओगे इंडेक्स, मॉडल डॉट काउंट, और ये आ गया, ये लगा हुआ ना इनपुट चल जाएगा काउंट के लिए, बस उसमें ये लिखना है बस ASP:4 मॉडल, और उसके बाद ये बैक टू लिस्ट का लगा हुआ, ये देखो लगा हुआ ना बैक टू लिस्ट, तो आपने सिर्फ एक चीज ऐड कर दो, क्या ASP:1 एक्शन, क्या नाम है उसका इंडेक्स, ठीक, और ये बैक टू लिस्ट भी काम करेगा, बैक टू लिस्ट जो है ये काम करेगा, ये रखो रिफ्रेश करो, बैक टू लिस्ट कर रहा है, डिटेल पे क्लिक किया डिटेल, आप सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो बाकी डिटेल ठीक ही लग रही है वैसे प्रोडक्ट, ठीक। अब आपका नेक्स्ट फ्लो क्या होने वाला है ऐड टू कार्ट, लेकिन ऐड टू कार्ट पे मैं पहले चेक करूंगा कि लॉगिन है भी कि नहीं, क्योंकि अब बंदा तैयार हो गया खरीदने के लिए, यानी अपना कार्ट बनाने के लिए, तो आप लॉगिन नहीं हुआ, देखो ये कैसे पता चलेगा कौन खरीद रहा है, तो
तो अब हम लोग ऐड टू कार्ट का कोड जहां लिखेंगे, ठीक, एक बार ये नजर मार लो, ठीक, वहां पे ऑथराइज लगा देंगे कि बिना लॉगिन वहां आए ना, छोटी चीज है, क्या लिखेंगे, ऑथराइज, ठीक। और वहां पे तो हमें क्या बनाना है, ऐड टू कार्ट जो है कौन सा है, सबमिट का। तो जब वो सबमिट करेगा तो ये सारा कोड कहां लिखा है, फॉर्म टैग, ठीक, क्या लिखा हुआ, फॉर्म टैग, ठीक। तो जब ये सबमिट करेगा तो आईडी भी चाहिए होगा, लेकिन वो आईडी तो यहां कहीं नहीं है, आईडी कब देखेंगे, पहले क्यों सोच के बैठना, ठीक। तो ये सबमिट का बटन है, ऐड टू कार्ट जो हमारा कौन सा, ये सबमिट। अब मैं जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे और क्या बनाएंगे इसका, बोल रहे हो, HTTP पोस्ट और वही एंटी वैलिडेट एंटी फ्रोजरी टोकन, और बिना लॉगिन ये एक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। आई एक्शन रिजल्ट और इसका नेम आपने यही रखना है और डिटेल्स, और यहां पे जब सबमिट हो गए तो हमारे पास आएगा शॉपिंग कार्ट टेक लर्न, क्या आएगा, शॉपिंग कार्ड, वही आएगा जो वहां पे है लॉज। और यहां पे हम कहानी लिखेंगे क्या, पहली बात किसने लॉगिन किया हो, देखो यहां पे बिना लॉगिन नहीं आएगा, हम टेस्ट कर देते हैं, चलो रिटर्न व्यू और ये ब्रेक पॉइंट लगा, ठीक, क्या यहां आता है कि नहीं आता, आप इसे रन करो, चेक करना पूरा फ्लो। अब हम लोग शॉपिंग कार्ट मॉडल में डाटा सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक इसका आईडी अपने आप जनरेट होगा, एक एप्लीकेशन यूजर आईडी जिसमें लॉगिन किया हुआ, प्रोडक्ट आईडी कौन सा प्रोडक्ट है, काउंट कितना है वो हमें काउंट चाहिए, बस और तो कुछ कॉलम नहीं। काउंट के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर आईडी जिसने लॉगिन किया हुआ, प्रोडक्ट आईडी कहां से आएगा, पेज पे होना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या लगा लेंगे, हिडन का, क्या लगा लेंगे, हिडन। आपको डेटा देखो, पहले देखो डिटेल पे गए, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया कहां जा रहा है, लॉगिन, कि भाई आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, देख लो किसी भी डिटेल पे क्लिक करो ऐड टू कार्ट कहां जा रहा है, लॉगिन पे। लेकिन अगर आप लॉगिन हो, देखो खरीद तो कोई सकता है, एडमिन भी खरीद सकता है, कोई रोक थोड़ी है, लॉज। अब फ्लो में देख लो ढंग से, आगे लॉगिन हो चुका है, अब डिटेल पे क्लिक करो यहां आगे और देखो ऐड टू कार्ट, देखो आ गया ना यहां पे, और जैसे ऐड टू कार्ट किया तो इसमें क्या क्या आया, ये देखो आईडी काउंट वन आ गया, ठीक है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं मिला, एक इसका अपना आईडी भी क्या आ रहा है वन, इसको हम जीरो कर देंगे, ठीक, चलो और कुछ भी नहीं आया, प्राइस तो नॉट मैप्ड है, वो तो चाहिए भी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, तो इसलिए प्रोडक्ट आईडी आपको कहां पे, डिटेल में यहां पे गई और यहीं पे फॉर्म टैग के अंदर कहीं पे भी आप उसको ले सकते हो, क्या इनपुट टाइप क्या लिखोगे, हिडन और एएसपी आईकॉन फोर क्या आएगा, मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी,
वैसे मैं आपको बताऊं, ये आईडी शॉपिंग कार्ट में भी है कि नहीं? सोचो, शॉपिंग कार्ट में है नहीं? ये देखो, लिखा मैंने, ये देखो प्रोडक्ट आईडी। तो मुझे लिखना था मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी, लिख लो चाहे मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी। मतलब कहने का ये इसमें भी है, इसमें बस उसका नाम है प्रोडक्ट आईडी। एक ही बात है, मॉडल डॉट प्रोडक्ट में जाके वहां से उठा लो चाहे यहां, अब आपको वहां मिल जाएगा प्रोडक्ट आईडी। काउंट मिल जाएगा कहां से? टेक्स्ट बॉक्स। यूजर आईडी कैसे मिलेगा उसकी कहानी देखेंगे। अब ये नई चीज आपको पता चलेगी कि जिसने लॉगिन किया, हमें कैसे पता चलेगा किसने लॉगिन, ये तो पता चल गया कि बिना लॉगिन ही वहां जा सकता जब आपने ऑथराइज लिख दिया। लेकिन अब जिसने लॉगिन किया हुआ, हमें उस यूजर की डिटेल भी उठानी है। ये नई कहानी आपको मिलेगी, पर इस कहानी को सुनने के लिए कल आना पड़ेगा आपको।